अक्सर बॉलीवुड में सितारों के रिश्तों को लेकर खूब चर्चा होती है। आम दुनिया की तरह ही बॉलीवुड की चमक धमक से भरी दुनिया में भी रिश्तों का काफी महत्व है। यहाँ कई ऐसी जोड़ियाँ हैं जिनके उदाहरण दिए जाते हैं। इन्हीं में से एक जोड़ी है काजोल और अजय देवगन की। आपको बता दें, दोनों बॉलीवुड सितारों की शादी को 19 साल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए बेटे युग के साथ बेटी आशा के पास गए हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजय और काजोल की बेटी आशा सिंगापुर में पढ़ाई कर रही हैं और वह बार बार पढ़ाई छोड़कर भारत नहीं आ सकती हैं। इसलिए अजय देवगन का पूरा परिवार उनसे मिलने और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए सिंगापुर गया हुआ है। आपको बता दें, अजय देवगन और काजोल की शादी आज से 19 साल पहले 24 फरवरी 1999 को हुई थी। काजोल उस समय 25 साल की थी। काजोल ने अजय देवगन से उस समय शादी की थी जब उनका फिल्मी कैरियर ऊंचाई पर था। काजोल ने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, इसका जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इंटरव्यू में काजोल ने बताया कि अजय देवगन से उस वक्त शादी करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वे अपनी जिंदगी और कैरियर में थोड़ा ठहराव चाहती थीं, इसी वजह से उन्होंने शादी की। काजोल ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्मों में काम करते हुए उन्हें उस समय 9 साल हो गए थे। हर साल 4 से 5 फिल्मों में काम करने का ऑफर आ रहा था। काजोल ने बताया कि उनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और कामयाबी, लेकिन खुद के लिए मेरे पास समय नहीं था। ये एक बड़ा फैसला लेने का सबसे अच्छा वक्त है। उसी समय मैंने फैसला कर लिया था कि अब शादी करूंगी और ज्यादा से ज्यादा एक साल में एक फिल्म में काम करूंगी। एक ही इंटरव्यू में काजोल ने बताया था कि जब वे अजय के साथ फिल्म हलचल में पहला शॉट दे रही थी, तभी उन्हें पता चल गया था कि ये आदमी उनकी जिंदगी में अहम रोल प्ले करने वाला है। हालांकि उस समय अजय और काजोल के बीच कोई रिश्ता नहीं था, दोनों केवल दोस्तों की तरह साथ रहते थे। उस समय काजोल अजय देवगन से अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ के बारे में सलाह लिया करती थी। पहली बार दोनों की मुलाकात फिल्म हलचल के सेट पर ही हुई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई। जब काजोल अजय देवगन से मिली थी तो उन्होंने देखा था कि अजय देवगन को एक किनारे अकेले बैठना पसंद है। अजय ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। उस समय काजोल को यह लग रहा था कि ऐसे भल कैसे हो सकता है कि कोई बात ना करे। लेकिन जब धीरे धीरे काजोल अजय से बात करने लगी तो दोनों की दोस्ती हो गई। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा और आखिरकार दोनों ने 1999 में शादी कर ली। शादी देवगन हाउस में महाराष्ट्रियन तरीके से हुई थी। आज दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।